रिहा आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी करने के साथ साथ स्पोर्ट्स फेडरेशंस के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन बनाने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अफजल जावेद से। जी अफजल जावेद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें वफाकी हुकूमत ने जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उस पर दोबारा नजरसानी करने का फैसला किया और इस हवाले से स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है मंजूरी के लिए दोबारा वफाकी काबीना को भिजवाई जाएगी और साथ साथ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो इलेक्शन का मामला है उस हवाले से भी जो वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से वफाकी वजीर बैनसूबाई राबता इरफान मिजारी है, उनका यह कहना है कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन है उसे एक माह में कायम कर दिया जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को अहदे से हटाया गया उसके हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है वो भी करवाने का उन्होंने फैसला किया है। उनकी जो एएफसी और फीफा हुकाम के साथ जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन के हवाले से जो मुलाकातें हुई उस हवाले से भी ये कहना था कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदर के साथ उनकी मुलाकात फूटबंद रही और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के फौरी इलेक्शन और फीफा में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो फंसे $15 मिलियन हैं वो भी पाकिस्तान को जो है जारी किए जा सके। साथ साथ उन्होंने ये कहना था कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्म किया लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इंग्लैंड की टीम है वो बेहतर खेली है और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में कभी अच्छा खेलती है कभी बुरा खेलती है और हुकूमत जो है पाकिस्तान में खेलों की तरक्की बेहतरी के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद अपडेट करने के लिए।